हेलो भाई, मैं अंकित। ये है TVS की एंटॉर्क। अगर आप सामने से देखते हो तो इसको पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन सा वेरिएंट है। आप शायद रेस एडिशन कह दो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ है इसमें कि जो लोग मतलब जानते हैं इसके बारे में वो पहचान सकते हैं, जैसे इसका ग्राफिक्स और एलो व्हील। रेड कलर में आपको एलो व्हील मिलता है, बाकी यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है रेस XP वेरियंट का। ये इसका टॉप एंड वेरियंट हम आज देखने वाले हैं। तो इसका सारा फीचर्स है, स्पेक्स, प्राइस क्या है यहाँ पे शोरूम में, और आपको दिल्ली का भी एक शोरूम प्राइस बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका शुरू करते हैं। फ्रंट वाइजर्स है तो काफ़ी आपको अट्रैक्टिव हेड मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की यूनिट मिल जाती है, बाकी यहाँ पे आपको फ्लैग का मिल जाता है, इंडियन फ्लैग का। और यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट का आपको बैजिंग मिल जाता है। बाकी कुछ इस तरीके का आपको फेंडर मिलता है, भाई काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है फ्रंट से। और यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग मिल जाती है जो कि 3D है। यहाँ पे नंबर प्लेट, बाकी कुछ इस तरीके का आपको फेंडर मिलता है। यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, मतलब रेड में वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे आपको एंटोर की बैजिंग मिल जाती है जो कि मतलब ब्लैक और रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको वो नहीं मिलता रेस एडिशन का, आपको मतलब रेस XP का नहीं मिलता बैजिंग। और यहाँ पे आपको RTFI की बैजिंग मिल जाती है, रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन। बात करें इसके हेडलैम्प की तो इसमें फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। बाकी इस तरीके का आपको DRL मिल जाता है। इसमें 4 बल्ब आते हैं, जो 2 लो बीम में 2 हाई बीम में। मैं आपको जला के आगे दिखलाऊंगा। बाकी कुछ इस तरीके का आपको मडगार्ड मिलता है जो कि काफ़ी मस्त मडगार्ड है। मेरे को थोड़ा सा क्वालिटी भाई सही नहीं लगा, भाई थोड़ा सा लूज है। इसमें आपको ड्यूल टोन में मिल जाता है, ये वाइट और ये ब्लैक, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। बाकी वेरिएंट में आप देखोगे तो एक ही कलर में मिलता है, इसमें आपको 2 कलर में मिल जाते हैं। बाकी कुछ इस तरीके का आपको एलो व्हील मिलता है। बात करें टायर प्रोफाइल साइज़ की तो 100x80 R12 का आपको टायर साइज मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और यहाँ पर आपको ब्लैक में भी मडगार्ड मिलता है। ये मेरे को थोड़ा सा चीप लगा भाई, क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकता था। काफ़ी मतलब भाई देख रहे हो दब जा रहा है। बाकी इसके बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की तो इसमें SBD का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। आपको फ्रंट में 220mm का डिस्क मिल जाता है, बाकी रियर में 130mm का ड्रम मिल जाता है। बाकी ये है TVS एंटोक रेस XP का लेफ्ट साइड का लुक, भाई काफ़ी मस्त लगता है। जो इसमें मतलब रेड वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज किया गया ना, मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे आपको 125 रेस XP की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी मतलब मस्त लग रहा है। इसको ऐसे ऐसे जगह स्टिकर दिया गया है ना भाई, मस्त लगता है। बाकी साइड में आप देख सकते हैं, साइड पैनल पे भी आपको काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स मिल जाती है। यहाँ पे एंटोर्क 125 का बैजिंग मिल जाता है जो कि 3D है। बाकी कुछ इस तरीके का आपको ग्राफिक्स मिल जाता है इसमें XP वाले में। अगर आप रेस एडिशन लेते हो तो उसमें आपको दूसरा ग्राफिक्स मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको लेडीज़ के लिए वो मिल जाता है पैर रखने के लिए, यहाँ पे राइडर के लिए। वैसे राइडर भी यहाँ पे रख सकते, पिलियन भी यहाँ पे रख सकते हैं, चलाने वाला बंदा तो यहाँ पे रखता है। बाकी यहाँ पे 3 वाल्व की आपको बैजिंग मिल जाती है। इसका इंजन जो है वो 124.8 cc का है, 3 वाल्व। बाकी यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा दिख भी जाता है कि ये पेट्रोल, इधर करोगे तो पेट्रोल वाला खुल जाएगा ये वाला, और इधर करोगे तो ये वाला खुल जाएगा। बाकी ये है TVS एंटोक रेस XP का रियर लुक। मतलब बाकी वेरियंट की तरफ भी आपको इसमें वैसे ही मिलता है। इसमें आपको स्प्लिट ग्रैबरेल मिल जाता है जो कि ड्यूल है, मस्त लग रहा है भाई। मतलब उससे जो लुक आता है ना, मस्त लगता है। अभी कुछ इस तरीके का आपको टेल लाइट मिल जाता है जो कि LED है। इंडिकेटर आपको हेलोजन ही मिलता है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। और यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है नंबर प्लेट के लिए। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट कसने के लिए। और यहाँ पे आपको मडगार्ड फ्लेक्सिबल मिलता है, हाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पे आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी फ्रंट में आपको रिफ्लेक्टर मिलता है या नहीं मैं देख लेता हूँ, नहीं मिलता आपको। बाकी रियर में आपको कोइल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिलता है, एक ही सस्पेंशन है, ड्यूल सस्पेंशन इसमें नहीं आता, एक ही सस्पेंशन है ये वाला। बाकी जो एलो व्हील रेड भाई मस्त लग रहा है यार। रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें रियर टायर प्रोफाइल मैं दिखला रहा हूँ, 110x80 R12, मतलब थोड़ा सा आपको चौड़ा मिलता है फ्रंट के मुकाबले। बाकी ये है TVS एंटोक रेस XP का राइट व्यू। राइट से भी काफ़ी मस्त दिखती है, जैसा उस तरह का ग्राफिक्स यूज़ किया है उस साइड, वैसे यहाँ पे भी यूज़ किया गया। आपको 3D में एंटोक 125 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाता है, रेड ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी आप पैनल पे देख सकते हैं वाइट कलर किया गया जो कि मस्त लग रहा है। और ये वाइट मतलब अलग वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिल जाता है। बाकी ये तो मैंने आपको दिखला दिया। बाकी एग्जॉस्ट की बात करें तो भाई काफ़ी स्पोर्टियर एग्जॉस्ट है। मफलर में आपको ब्लैक ही मिलता है। यहाँ पर आप इसका इंजन देख सकते हैं, यहाँ पर फैन भी दिख रहा है एयर कूल्ड। और यहाँ पर मोबिल चेक करने के लिए वो नॉब है, खुल नहीं रहा, टाइट है। और यहाँ पर आपको मैंने ये तो दिखला दिया। बाकी यहाँ पे भी आपको TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाती है। मैंने आपको उस साइड जैसा दिखलाया था ग्राफिक्स वैसा ही मिल जाता है 125 रेस XP का। बाकी यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स मस्त मिल जाता है। इंजन की बात करें तो वही 124.8 cc का इसमें इंजन आता है जो कि 3 वाल्व के साथ है, जो मैक्सिमम 10.5 BHP का पावर निकालता है और मैक्सिमम 10.8 Nm का टॉर्क निकालता है। ये काफ़ी पावरफुल है अपने सेगमेंट में, 125 cc सेगमेंट में। मैं आपको कंट्रोल दिखला देता हूँ इसका, हाई बीम लो बीम मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न मस्त है, हॉर्न का
क्वालिटी अच्छा डाला गया है। यहाँ पे किल स्विच मिल जाता है आपको, हजार्ड बल्ब मिल जाता है। हजार्ड वाला मेरे को अच्छा लगता है भाई, जब आप बारिश में चल रहे हो ना, ये इंडिकेटर मैं ऑफ़ करता हूँ, पहले हजार्ड जलाता हूँ। ये इंडिकेटर आप मतलब ये हजार्ड जला के बारिश में चलाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि मैंने चलाया है भाई, अलग फील आता है। बाकी हजार्ड मिल जाता है इसमें आपको, यहाँ पे आपको सेल्फ का बटन मिल जाता है, और इसमें आप देखोगे तो मोड्स भी मिल जाता है, मतलब इसमें वॉइस कमांड का भी फीचर्स आता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा वॉइस कमांड वाला। बाकी यहीं से ऑपरेट करना पड़ता है वॉइस कमांड को, ये क्लिक करके आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, स्पीडोमीटर, टाइम, 0 to 60 यहाँ पे क्या तो लिखा है, यहाँ पे फ्यूल गेज, फ्यूल एम्प्टी इसमें दिखला रहा है। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिखला रहा है, यहाँ पे ट्रिप। बाकी आपको साइड में भी आपको इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर का, यहाँ पे पासिंग, यहाँ पे इको और पावर का। इको मतलब होगा तो ऐसा होगा, पावर वगैरह वाला अगर आप मोड यूज स्टार्ट कर देते हो तो आपको ऐसा बल्ब जल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी कुछ साइन है, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे लो फ्यूल का इंडिकेटर, माल फंक्शन, और बाकी यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये कमांड वाला है। हाँ, ये कमांड वाला है। और इन सब फीचर्स के अलावा आपको इसमें 3 ट्रिप मीटर मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। बाकी टर्न बाय टर्न जीपीएस नेविगेशन भी दिया गया है, हेलमेट रिमाइंडर भी दिया गया है, और लास्ट पार्किंग लोकेशन, वॉइस कमांड, ऐसे भी आपको फीचर्स मिल जाते हैं इसके मीटर कंसोल में। बाकी यहाँ पे भी एंटॉर्क मिलता है आपको, यहाँ पे हॉर्स की बैजिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको रेस एक्सपी की मतलब बैजिंग मिल जाती है, स्टिकरिंग की गई है। और यहाँ पे गाड़ी के लिए आपको मतलब कुछ कुछ लिखा रहेगा, चेसिस नंबर, इंजन नंबर। बाकी कुछ इस तरीके का आपको चाबी मिलता है, जो कि मतलब काफ़ी हेवी लग रहा है भाई देखने में। यहाँ पे आपको बूट खोलने के लिए यहाँ से नहीं मिलता, आपको पीछे ही मतलब आना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मेरे को लगा। यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता तो सीट भी, सीट का तो खैर यहाँ से सही था, लेकिन फ्यूल के लिए आपको फ्यूल टंकी पे उतरना पड़ेगा, चाबी निकाल के आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेरे को लगा, क्योंकि इतना भाई जब कोई पैसा पे कर रहा है तो उसको थोड़ा सा फीचर्स तो देना चाहिए ना, मतलब वहाँ पे दे देते तो फ्यूल टंकी पे उतरना नहीं पड़ता। यहाँ तो यहाँ से अगर मैंने लेफ्ट किया तो ये फ्यूल वाला खुल गया, फ्यूल नॉब। बाकी इसमें 5.8 लीटर का शायद से फ्यूल टैंक आता है, और ये हेलमेट वाला बूट स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। इसमें लाइट मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट भी इसमें दिया गया है। बाकी इसका जितना बूट स्पेस आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बाकी इसकी सीट की कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी मस्त सीट की कुशनिंग है भाई, मैं एक बार बैठ के भी देख लेता हूँ कैसा इसका सीट की कुशनिंग है। मेरा हाइट 5'10" है, तो उसके हिसाब से मैं कंफर्टेबली बैठ जाता हूँ भाई। यहाँ पे मेरा पैर वैर नहीं लग रहा आगे। यहाँ पे भी आपको हुक मिल जाता है कुछ कैरी करने के लिए, और बाकी मस्त मतलब सीट भी अच्छा ही है। लॉन्ग राइड के लिए भाई मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड आपको इसमें मिलता है। बाकी सीट की कुशनिंग अच्छी है, आप शॉर्ट राइड के लिए ले रहे हो तो काफ़ी मस्त है ये। बाकी यहाँ पे आपको एंटोर की बैजिंग मिल जाती है सीट पे भी। एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा यार इसमें, मतलब ये जो नट दिख रहा है इसको ढक देना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा अगर देखते हो तो भाई। और ये भी नट यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब थोड़ा सा लुक को थोड़ा बिगाड़। ये वाला तो खैर सही है, मगर यहाँ पे जो लग रहा है ना, इसको अगर ब्लैक कर देते, अगर ढक देते अच्छे से तो शायद इसमें कवर आता हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कवर नहीं आता, नहीं तो कवर ये जब प्लांट से ऐसे आया तो ऐसे ही होगा। बाकी एसेसरीज में आपको ये मिल जाएगा, इसका फ्रंट वाला मिरर, और कुछ एसेसरीज में नहीं मिलेगा आपको। बाकी आपने ये तो देख लिया कैसा जलता है रियर से, ये कैसा दिखता है जब इंडिकेटर जलता है और टेल लाइट जलता है, मैं आपको फ्रंट से दिखला देता हूँ। ऑन करा चल, हाँ। बाकी फ्रंट से कुछ इस तरीके का इसका हेडलैम्प का सेटअप है, ये लो बीम है, मैं हाई बीम ऑन करता हूँ, ये हो गया इसका फुल्ली हाई बीम का सेटअप भाई। काफ़ी मतलब मस्त इसका विजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं। साइड यहाँ पे लाइट जल रहा होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा। बाकी हजार्ड बल्ब आपको स्कूटर में मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, TVS वाले भाई काफ़ी आगे हैं इन सब के मामले में। बाकी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाना चाहूँगा, काफ़ी मतलब हेवी लगता है भाई एग्जॉस्ट साउंड, शायद इसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं होगा। बाकी मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा सासाराम कुंती मोटर को, अगर आप सासाराम या फिर आसपास से रहते हैं तो इनके शोरूम में ज़रूर विजिट करें। आपको मतलब कोई भी गाड़ी कोई भी कलर में चाहिए TVS का तो यहाँ पे मिल जाएगा, स्टॉक यहाँ पे भर के है, तो भाई इनके शोरूम में ज़रूर विजिट करें। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्यूल स्टेयरिंग लॉक मिल जाता है, ये कहता पता नहीं कैसे ऑपरेट होता है, मैंने इसको पहली बार ऑपरेट कर रहा हूँ इसमें। हाँ, ये लॉक हो गया। ड्यूल ब्रेक मिल जाता है, स्टेयरिंग लॉक नहीं, ये ब्रेक लॉक मिल जाता है आपको, मतलब फिर भी आप लॉक कर देते हो तो ये तो कोई भी खोल सकता है ना, जैसे लॉक कर दिया आपने, ये लॉक हो गया तो ये खुल तो जाएगा ना तुरंत। हाँ, तो खुल जाएगा। तो ये फीचर्स का तो मेरे को मतलब जैसे आप कहीं चढ़ान या फिर ढलान वाले एरिया पे इसको खड़ा करते हो तो उसके लिए वो है। बाकी बात करें इसके प्राइजेज की तो यहाँ पे एक शोरूम जो है 92,000-82,000 रुपये, मगर आप दिल्ली के एक शोरूम की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम मिलता है, 82,000 के आसपास है, मैंने चेक किया था ऑनलाइन। लेकिन इसमें आपको
RTO और इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ेगा, तो भाई 1 लाख के अराउंड ये आपको स्कूटर पड़ने वाली है। भाई सारा डिजाइन तो वही जो रेस एडिशन वाला है वही है, थोड़ा बहुत आपको ग्राफिक्स देखने को अलग मिलता है। एलो व्हील सबसे पहले तो रेड कलर का मिलता है आपको, ग्राफिक्स भी आपको अलग मिलता है, मतलब थोड़ा सा है ज़्यादा पैसा, लेकिन फिर भी भाई इतना पावरफुल स्कूटर हो जाता है। माइलेज भाई वही आपको अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, 42 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, 42 नहीं शायद से 45 का कंपनी क्लेम करती है, मगर अब मैं इसका चेक करूंगा तब बताऊंगा भाई कितना रियल लाइफ में आपको दे देगा। लेकिन एक भाई का मेरे कमेंट आएगा तो उन्होंने बोला था कि भाई 40 तो दे देती है मेरे को आराम से सिटी में, तो भाई जब सिटी में 40 दे देती है तो आपको 45 या 50 तो आराम से, 50 नहीं देगी 45 हाईवे पे दे देगी। बाकी ये स्कूटर आपको लुकिंग वाइज कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।